हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। आप सभी का कंपटीशन कमेटी में स्वागत करता हूं। हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने सबसे पहले इनपुट डिवाइस की बात करें तो हम लोगों ने कीबोर्ड को स्टार्ट किया था। कीबोर्ड के बारे में हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले रहे थे कि क्या है कीबोर्ड, में क्या है, कितने कितने कीज होते हैं। उसी में लास्ट वाला जो कीज है वो बच गया था। देखिए, इसके मैंने सारा चीज बता दिया, एस्केप क्या है, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, डिलीट, ये अल्फा न्यूमेरिक, उधर आपका नम लॉक, आपका कॉम्बिनेशन की, ये मैंने बता दिया। आज हम लोग देखते हैं ये जो फंक्शन की है F1 से F12 तक, इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन है ना, कंप्यूटर में कुछ फंक्शन करवाना हो तो इसके लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं F1। तो F1 जो है, कभी भी हेल्प के लिए अगर आपको कंप्यूटर में कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो आपको F1 की का प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, हेल्प मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, F1 जो की है वो हेल्प के लिए होता है। कंप्यूटर में कहीं पर भी हम फंस जाए, समस्या आ जाए, तो कंप्यूटर की कुछ जो है रोम में स्टोर जो डेटा है उसके माध्यम से हम हेल्प ले सकते हैं। और या अगर नेट चालू है, इंटरनेट है, तो आप ऑनलाइन भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, हेल्प मेन्यू के लिए F1 आपको दबाना है, ठीक है। और उसके बाद जब हेल्प करेंगे तो उसका नाम बदल देंगे। F2 में क्या हो जाएगा, रीनेम करना है। अगर मान लीजिए कोई फाइल और फोल्डर को आपने चयनित किया है, सेलेक्ट किया है, उसका अगर आप चाहते हैं उसका नाम बदलना, तो सेलेक्ट किए हुए फाइल का या चयनित किए हुए फोल्डर या फाइल का नाम परिवर्तन करने के लिए F2 कुंजी का प्रयोग करते हैं। F2 का प्रयोग क्यों करते हैं, तो किसी फाइल और फोल्डर के, सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर के को रीनेम करने के लिए हम लोग F2 का प्रयोग करते हैं। तो रीनेम याद रखिएगा, रीनेम किससे आ जाएगा, F2 से आएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपको कुछ खोजना है तो एक सर्च बॉक्स होता है ऊपर में, तो सर्च बॉक्स में आपको डायरेक्टली अगर जंप करना है, ठीक है, आप अगर कर्सर का यूज नहीं कर रहे, माउस का यूज नहीं कर रहे, तो F3 बटन को आपको दबाना है। F3 बटन दबाकर आप क्या कर सकते हैं, सर्च बॉक्स में आप जंप कर जाएंगे, यानी पहुंच जाएंगे, और फिर वहां से आप टाइप कर सकते हैं। F1 में हेल्प है, रीनेम है, फिर क्या है, सर्च है। F4 जो है आपका एड्रेस बार जो होता है, एड्रेस बार क्या होता है, किसी भी फाइल फोल्डर का जो एड्रेस होता है वहां लिखा होता है नीचे में, वहां एड्रेस बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको F4 की का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए, देखिए ऐसे समझ लीजिए, ये एक फोल्डर है, इसके नीचे जो है उसका एड्रेस होता है, जिसे आप हम नाम लिखते हैं, वही एड्रेस बार कहलाता है। तो एड्रेस बार में को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको F4 दबाना पड़ेगा। और सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट भी है आपका, आप जानते ही होंगे F5 सबसे ज्यादा यूज भी करते हैं, सबसे ज्यादा टीपते रहते हैं, नहीं कुछ समझ में आता तो F5 दबाते रहते हैं। तो F5 याद रखिएगा, रिफ्रेश करने के लिए होता है, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए क्या दबाते हैं, F5 की का प्रयोग किया जाता है। F5 में जनरली बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो F5, ये आपके पांच F से संबंधित फंक्शन की से संबंधित। F6 जो है, एड्रेस बार में जाने के लिए आपको क्या करना है, F6 दबाना है। इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए आपको कोई ग्रामेटिकल एरर है या स्पेलिंग कोई गलत है, तो स्पेलिंग चेक करना है, तो उसके लिए आपको F7 का प्रयोग करना चाहिए। याद रखिएगा, देखिए जब आप कुछ लिखते हैं तो एक ग्रीन कलर आता है और एक रेड कलर आता है। रेड कलर का मतलब होता है कि उसका स्पेलिंग में मिस्टेक है, और ग्रीन कलर का मतलब होता है कि आपने थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर किया है, यानी आपका सेंटेंस प्रॉपर जमा नहीं है या उसको थोड़ा सा अरेंज होना चाहिए, तो ग्रीन कलर चल जाता है। रेड कलर का मतलब है स्पेलिंग आपकी गलत है, ठीक है, आपने कुछ स्पेलिंग है वो गलत है। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए आपको F7 का प्रयोग करना है, स्पेलिंग सुधार भी जाएगी, सुधार सकते हैं। तो सेलेक्टेड सेलेक्ट करके क्या करें, F7 दबाएंगे तो F7 से स्पेलिंग चेक होती है। तो स्पेल चेक के लिए क्या करते हैं, पूछा हुआ प्रश्न है, F7 का प्रयोग किया जाता है। F8 आप छोड़ सकते हैं, F8 का उतना यूज नहीं है। F9 देखिए, अगर MS वर्ड में है तो डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए आपको क्या यूज करना है, F9 का प्रयोग करना है। हालांकि F8 F9 फंक्शन आपका प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है, प्रोग्राम को रन करवाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, बट आप याद रखेगा F8 को छोड़ के F9 को MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए होता है, ठीक है। F10 जो है मेन्यू बार में आपको जाने के लिए क्या यूज कर किया जाता है, तो F10 का प्रयोग कर किया जाता है। तो याद रखना है, मेन्यू बार के लिए क्या करेंगे, F10 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और F11 बहुत कॉमन है, फुल स्क्रीन और आपका नॉर्मल स्क्रीन करने के लिए F11 का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है, जैसे मूवी देखते हैं तो हम तो बी दबा देते हैं, है ना, तो वो नहीं होगा। F11 से अगर आप क्या करना है, स्क्रीन को बड़ा करना चाहें तो F11 यूज कर सकते हैं, और रिसाइज करना चाहें तो आप F11 दबा के फिर रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और F12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए आप सेव एज मतलब आप किसी फोल्डर का नाम लिखना चाहते हैं, नाम परिवर्तित करना चाहते हैं, सेव एज डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए
F12 का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कई बार काम आता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई फाइल बनाया, इसका नाम लिखना है, ठीक है, नाम पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे को नाम चेंज करना है, तो सेव एज करूंगा। सेव एज से क्या होगा, आप रीनेम कर सकते हैं नाम लिख सकते, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए F12 का प्रयोग किया जाता है। ये पूरे फंक्शन की है, आपको अच्छे समझ रहे हैं। इस तरह से हमने कीबोर्ड के जितने भी कीज होते हैं हम सारा का सारा पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है अगर किसी की के बारे में जानना है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्कैनर, ठीक है। ये स्कैनर भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो लाइट का उपयोग करता है, प्रकाशी, हिंदी बोलते हैं प्रकाशी कुंज, कुंज का प्रयोग करता है। याद रखिएगा स्कैनर जो है, स्कैनर ये क्या करेगा, हार्ड कॉपी को किसमें बदल देगा, तो सॉफ्ट कॉपी में बदल देगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी आपको अगर आपको डिजिटली रूप चाहिए, है ना, डिजिटली अगर किसी भी डॉक्यूमेंट का, इमेज का अगर डिजिटल रूप अगर आपको चाहिए, तो डिजिटल रूप के लिए आपको क्या करना है, स्कैनर का प्रयोग करते हैं। ये एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस है जो प्रकाशी कुंज का प्रयोग करता है। किस लिए करता है, तो जितने भी हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी बदलने के लिए, जिसमें स्कैन करेगा, स्कैन करके आप लंबे समय तक आप स्टोर करके डेटा को रख सकते हो। और ये इमेज के रूप में स्टोर करता है, वर्ड के रूप में स्टोर नहीं करता, यानी आप वर्ड के रूप में इसको चेंज नहीं कर सकते, इमेज के फॉर्मेट में ये आएगा, ठीक है। तो स्कैनर भी जो है ये आपके इनपुट डिवाइस में है। ये तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका हैंड हेल्ड, ठीक है, उसके बाद एक होता है आपका ड्रम स्कैनर, और एक आपका होता है फ्लैट बैंड स्कैनर, ठीक है। तीन प्रकार के होते हैं, एक हैंड हेल्ड छोटा स्कैनर होता है, फिर एक फ्लैट बैंड स्कैनर होता है जो नॉर्मल स्कैनर हम लोग देखते हैं, और एक होता है ड्रम स्कैनर जो बहुत बड़ा स्कैनर होता है, जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। तो अगर याद रहे तो अच्छी बात है, हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बैंड स्कैनर और आपका ड्रम स्कैनर, ठीक है। ड्रम स्कैनर बहुत बड़े लेवल पर आपको क्या करता है, डेटा को आप क्या करता है, इनपुट के रूप में काम लेता है। कैसा है, तो एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है, प्रकाश का प्रयोग करेगा, सॉफ्ट कॉपी को मतलब आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है डेटा को आपका, और डिजिटल रूप देता है। अगर किसी डेटा का डिजिटल रूप चाहिए आपको प्राप्त करना है तो आप स्कैनर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्कैनर को याद रखिएगा, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। इसके बाद आ जाइए बार कोड रीडर। ये जो बार कोड है, ठीक है, बार कोड किसी भी उत्पाद की जानकारी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो बार कोड का प्रयोग करते हैं। इसमें ये नीचे में देखिएगा नंबर्स लिखे हैं, 13 नंबर लिखे होते हैं, कितने लिखे होते हैं, ये बार कोड है। बार कोड में किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी होगी, सारे डिटेल्स में पाए जाएंगे। और ये जो है ये नहीं है ना, ये इनपुट डिवाइस, ये बार कोड रीडर है, ठीक है, बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर जो है, ये बार कोड रीडर क्या करता है, बार कोड में जो ये लिखा है ना, ये जो ब्लैक लाइन्स है, इसको रीड करता है और जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, उसकी सारी जानकारी स्क्रीन पर कंप्यूटर पर शो करता है। याद रखिएगा बार कोड रीडर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, और इसमें 13 नंबर्स होते हैं, ठीक। ये क्या काम करता है, ये भी डिजिटल रूप में, ठीक, डिजिटल रूप में क्या करता है, स्कैन करता है, स्कैन करने का काम करता है। तो इसको याद रखिएगा बार कोड रीडर। तो जनरली देखो सिंपल क्वेश्चन पूछता है बार कोड रीडर क्या है, तो बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस, बार कोड नहीं है, बार कोड रीडर की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए आप लोग का सबका फेवरेट, जिसमें एग्जाम देते हैं गोला भरते रहते हैं, 3 घंटा का गोला ही नहीं भराता कई लोग का, वही है आपका गोला भरने वाला, इसको बोलते हैं OMR, ठीक है, OMR शीट बोलते हैं, ठीक, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। देखो ऑप्टिकल लिखा है, यानी ये भी कैसा डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस ही है, ठीक है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये जो गोला भरते हैं उसको हम लोग ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं, ठीक है। ये OMR शीट है ना,
OMR मशीन अलग होती है, OMR मशीन की बात हो रही है। इसमें ये क्या करते हैं, तो पेन या पेंसिल, पेंसिल से लिखे शब्दों को पहचान लेता, ठीक है, क्या करता है, पहचान लेता। तो ये OMR शीट है, याद रखिएगा, ये शीट है, ठीक है। OMR जो मशीन होती है वो अलग होती है, वो आयोग के केबिन में होगी, आयोग के पास होगी। वो क्या करते हैं, लाते हैं OMR शीट को, डालते हैं, वो स्कैन करता है और सारे जितना भी आप गोला भरे रहोगे उसको रीड कर लेता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है, ये शीट है, याद रखिएगा, इसकी बात नहीं हो रही है। ये OMR आपकी मशीन की बात है, ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन, ठीक है, ये तो शीट है। इसी को डालते हैं मशीन में और आपका नंबर पते चल जाते हैं और फिर आप टॉप करते हैं, फिर आपका नौकरी लग जाता है, बधाई, ठीक है। तो ये वाला कौन सा जाएगा, OMR हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या करता है, ठीक, ये क्या करता है, ये ना शब्दों को भी पहचान सकता है। देखो क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए कोई कागज आपने जला दिया, कुछ शब्द लिखे हुए थे, या फिर कोई पत्थर पे लिखा हुआ है, कुछ हमको समझ नहीं आ रहा, तो ये मशीन का प्रयोग करोगे ना, तो ये क्या करेगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कैरेक्टर को भी फाइंड करता है, यानी कैरेक्टर यानी शब्दों को पहचान कर सकता है, शब्दों को भी पहचान कर सकता है ऑप्टिकल। ये थोड़ा सा OMR से क्या होता है, एडवांस वर्जन है ये, इसको जासूसी वगैरह में प्रयोग किया जाता है ना, इसको याद रखिएगा, OCR को क्या करते हैं, इसलिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को जासूसी वाला भी आपका इनपुट डिवाइस कहते हैं, इसको याद रखना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक है आपका, ये क्या करता है, शब्दों को पहचान सकता है, लिखे धुंधले पड़े हुए शब्दों को भी पहचान सकता है, है? ये देखिए OMR क्या करेगा, आप गोला करोगे तो उसको रीड करेगा, वो डार्क है, बट ये क्या करेगा, ये शब्दों को भी पहचानेगा कि क्या लिखा है, जिसको थोड़ा सा ये भी इनपुट डिवाइस, ठीक, जासूस खुफिया विभाग में एक्चुअली यूज होता है। और आपका है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR, ये क्या करता है, ये चेक वगैरह जो होते हैं ना हमारे, तो चेक वगैरह को इनपुट डिवाइस के रूप में ये लेता है और स्कैन करता है। याद रखेगा, चेक वगैरह में काम आता है ये ना, आयरन ऑक्साइड, चेक में ना आयरन ऑक्साइड की एक लेयर होती है, उसी को रीड करता है, ठीक है। उसमें 14 कैरेक्टर होते हैं, 0 से 9 तक के नंबर्स होंगे और 4 आपके क्या होंगे, कैरेक्टर होंगे, है ना, शब्द होंगे, इस तरह से 14 लेटर्स होते हैं, इसी को रीड करता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। ये जो है आपको चेक वगैरह के लिए, चेक वगैरह जो होती है उसके लिए इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। तो MICR याद रखेगा, किसमें काम आता है, तो चेक, है ना, चेक के लिए इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है, ठीक है। जैसे OMR शीट के लिए कौन काम करेगा, OMR काम करेगा, वैसे चेक के लिए MICR काम करेगा, ठीक। इतना आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए QR कोड, आप जानते हैं इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, QR कोड ये भी क्या होता है, डिजिटल ऑप्टिकल है, ये भी क्या करता है, क्विक स्कैन करके आपका क्या करता है, इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है, आपको याद रखना है। ये स्कैन कोड के रूप में एक बार कोड होता है, ठीक है, जिसको QR कोड कहते हैं, ठीक है, ये आपका इनपुट डिवाइस। इतना आपको पढ़ना है इनपुट डिवाइस में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका पॉइंटिंग डिवाइस। देखिए इनपुट डिवाइस में ही मैंने ऑप्टिकल डिवाइस आपको बताया, अब पॉइंटिंग डिवाइस देखेंगे। पॉइंटिंग डिवाइस कहने का मतलब है जो पॉइंट करते हैं, जैसे आपका माउस आ जाएगा, जॉयस्टिक आ जाएगा, ये सब ना पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस अलग है, मैंने इनपुट डिवाइस को भी क्लासिफिकेशन किया है, तो अभी हम लोग ऑप्टिकल देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे पॉइंटिंग डिवाइस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस देखेंगे, जिसमें से माउस देखेंगे और जॉयस्टिक वगैरह देखेंगे और बहुत सारी चीजें, उसके बाद मिसलेनियस इनपुट डिवाइस देख लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप इतना तब तक पढ़िएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।